हाय माय फूडीज, तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं लेके आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल अंडा करी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेलिशियस और क्रीमी बनेगी। एंड इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये इतनी ज़्यादा आसान है, इतने इजी स्टेप्स हैं इसके कि इसे कोई भी बना सकता है। तो चलिए मेरे किचन में। तो ये सुपर फ्लेवरफुल, सुपर डिलिशियस रेस्टोरेंट स्टाइल एग करी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिए 6 बॉईल किए हुए अंडे। इसको ऐसे स्लिट्स लगा देंगे चाकू के सहायता से। आप चाहें तो फोक से भी कर सकते हैं या टूथपिक से भी कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर तक मसाला जाना चाहिए, इसके लिए हम ऐसे कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या होती है ना, अंडे फटफट ऐसे आवाज़ ऐसे पफअप नहीं होते हैं ऑयल में, जब आप फ्राई करेंगे ना तो फटेंगे नहीं। इसमें हम डाल देंगे बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा नमक, और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मतलब इस जैसे कि इसमें कोट हो जाए अच्छे से, या फिर इसको आप शेक शेक कर सकते हैं। तो बस शेक शेक करने में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें से एक अंडा फट रहा है, तो शायद उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो ये सारे अच्छे से कोट हो गए हैं, इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट, एक बोल में मैं ले रही हूँ 4 टेबलस्पून दही, और इसमें मैं डालूंगी 2 टीस्पून भर के कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। इसके लिए मैं कश्मीरी यूज़ कर रही हूँ। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर, ये तो मेरा फेवरेट है। और इसको मिक्स करके साइड में रख देंगे और ये गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। इससे क्या होगा ना, मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छे से उठ के आता है जब ये पकते हैं। तो दूसरी चीज़, दही जो है ना आपकी फटेगी नहीं, अगर इस पर मसाले रहेंगे ना तो दही आपका जब आप डालेंगे ना, पकाएंगे ना, तो वो फटेगी नहीं। तो इसको भी साइड में रख देंगे। नेक्स्ट, एक छोटे से ब्लेंडर में ले रही हूँ 2 प्याज, जिसको मैंने इसे रफली काटा है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्च, जैसे आपको स्पाइसी पसंद है। 8 से 10 कली आप डाल सकते हैं लहसुन की, 1 टुकड़ा अदरक का, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए, स्मूथ प्यूरे तैयार हो गए, बिल्कुल ऐसे ही हमें चाहिए ताकि हमारी ग्रेवी एकदम स्मूथ और क्रीमी बने। तो यहाँ पे मैंने लिया है पैन में थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा ज़्यादा तेल लिया है क्योंकि इसमें हम अंडे को फ्राई करने वाले हैं। तो सारे अंडे इसमें डाल देंगे और इसको फ्राई होने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक इसमें बढ़िया सी कोटिंग ना आ जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक अंडा टूट गया तो फ्रेंड्स, मैंने उस अंडे को डिस्कार्ड कर दिया, वरना वो पूरा टूट फूट जाता है इसमें। तो अब हम खेलेंगे इन 5 अंडों के साथ ही। तो इसको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक इसमें अच्छी सी कोटिंग ना आ जाए। ऐसा करने से क्या होता है ना, एग में अंदर तक के अच्छे से मसाला जाता है और थोड़े से फ्लेवरफुल लगते हैं। मतलब अगर आप बॉयल अंडा डायरेक्टली डालेंगे ना तो वो थोड़े फीके फीके से लगते हैं। तो ये जो अगर आप स्टेप करेंगे ना, तो उससे क्या आपके हो गए अंडे जो एकदम मज़ेदार और स्पाइसी हो जाएंगे। तो बस ये फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल देंगे। और उसी तेल में, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि तेल ज़्यादा है तो तेल थोड़ा सा निकाल दीजिए। उसमें डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी का, 8 से 10 काली मिर्च के दाने, 4 से 5 लौंग, 2 हरी इलायची और 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ ज़ीरा। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे अनियन का पेस्ट जो हमने बनाया था, और इसको फ्राई करेंगे यानी कि पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और जितना भी इसका पानी है ना साइड से, वो पूरा सूख जाना चाहिए। मतलब जो अनियन ने अपना पानी छोड़ा है वो पूरा सूख के एकदम पक जाना चाहिए और तेल पर आ जाना चाहिए। बस यही इसकी खास बात होती है फ्रेंड्स। ये अगर आप बेस जो है ना इसका, जो अनियन से अच्छे से पकाएंगे ना, तो आपकी ग्रेवी जो है ना आगे बहुत ही ज़्यादा शानदार बनेगी। तो अच्छे से इसको ब्राउन करते जाइए लो मीडियम फ्लेम पे। तो जब तक मेरे अनियंस ब्राउन हो रहे हैं, यहाँ पे उसी ब्लेंडर में मैं पीस रही हूँ 2 टमाटर, जिसको मैंने ऐसे काटा है, तो इसको भी पीस के रख लेंगे। तो ये देखिए, टोमेटोज का भी स्मूथ प्यूरे तैयार हो गया, इसको साइड में रख देंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज काफ़ी गोल्डन ब्राउन हो गए, तेल भी छूटने लगा है, कोई भी इसमें पानी नहीं दिख रहा है। तो इस स्टेज में गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे दही वाला मसाला, मतलब मसालेदार दही जो हमने बनाई थी वो पूरा इसमें डाल देंगे, और इसको मिक्स करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक सारे मसाले अच्छे से भुन न जाएं तेल में प्याज के साथ। और दही की वजह से क्या होगा ना फ्रेंड्स, एक और एडेड एडवांटेज ये है कि जो उसका दही का तेल है ना, उसका जो फैट है वो भी छूटेगा। तो उस तेल की वजह से आपकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे ना, तो ये और तेल छोड़ते जाएगा। तो ये वही तेल नहीं है जो कि हमने बेस में डाला है, ये दही का भी फैट होता है। तो ये देख सकते हैं आप, अच्छा सा लाल रंग का तेल ऊपर से फ्लोट हो रहा है, इसको कहते हैं रोगन एक्चुअली।
तो इसको ऐसे भूनते जाएंगे थोड़ी देर। तो बस ये जब अच्छे से भुन जाए, तेल पे आ जाए, तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे टोमेटो का प्यूरे। आप चाहें तो फाइनली चॉप टोमेटोज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा ना, ग्रेवी और ज़्यादा स्मूथ बनेगी। और फिर इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक ताकि टमाटर जल्दी से पक जाएँ, और इसको मिक्स करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ पानी करीबन 1/2 कप, तो मैं उसी मिक्सी में पानी डाल के इसमें डाल रही हूँ, और फिर से इसको पकाएंगे 1-2 और मिनट के लिए, और फिर इसको ढक के पकाएंगे। पानी आप एडजस्ट कर लीजिए कम ज़्यादा इसी स्टेज पर, और फिर इसको ढक के पकाएंगे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर, या फिर जब तक टमाटर अच्छे से रिड्यूस ना हो जाएं, पक ना जाएं और साइड में से तेल ना छूटने लगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स की शॉपिंग करनी है, तो मैंने टाई अप किया है ज़ेलिश के साथ, जिसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको ले जाएगा कनक्स किचन शॉप में, जहाँ पे आप सारे इंग्रेडिएंट्स की शॉपिंग कर सकते हैं, एंड जो सामान आपको नहीं चाहिए आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो चलिए लेड हटाकर चेक करते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से भुन गए हैं टमाटर, थोड़े से कम भी हो गए हैं। वो इसलिए पता चल रहा है क्योंकि तेल ऊपर आ गया, रोगन ऊपर फ्लोट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ग्रेवी अच्छे से भुन गई है। तो मुझे इसका जो कलर है ना, थोड़ा सा और रेडिश चाहिए फ्रेंड्स, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। तो इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो उसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे फूड कलर नहीं डालना है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है। इसको भी मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे 3 से 4 और मिनट के लिए। तो इस वक्त मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, क्योंकि इसमें हम अभी अंडे डालने वाले हैं और उसे भी पकाने वाले हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, एडजस्ट कर लीजिए ग्रेवी को, और फिर हम इसमें डाल देंगे बॉईल किए हुए अंडे। और इसको थोड़ी देर मिक्स कर लेंगे, और फिर इसको लिड से कवर करके पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतनी देर कि जो अंडा है वो अच्छे से ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर ले और उसमें सारा फ्लेवर अच्छे से आ जाए और एकदम बढ़िया तरीके से लटपट जाए ग्रेवी के साथ। तो लेड हटाकर चेक करते हैं, सुपर फ्लेवरफुल दिख रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त मेरे घर में। आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी बराबर बनी है, मैं आपको इसके ऊपर पोर करके दिखा रही हूँ। जो अंडों के हमने स्लिट्स लगाए थे ना, उसके अंदर भी ग्रेवी एकदम परफेक्ट तरीके से गई है। तो ये है एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी ग्रेवी की। आपको चाहिए तो आप पतली या फिर गाढ़ी भी रख सकते हैं। तो इस वक्त फ्लेवरिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी, रोस्टेड कसूरी मेथी, जिसको ऐसे क्रश करके डाल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही है फ्रेंड्स इस वक्त, देखिए, और पूरा तेल ऊपर फ्लोट हो रहा है। और फिर इसको और भी सुपर रिच बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के फ्रेश क्रीम। आप चाहें तो काजू का पेस्ट भी डाल सकते हैं, या फिर इसे कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं, और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे ग्रेवी के साथ बस 1 और मिनट के लिए। तो बस ये बढ़िया सी ग्रेवी एकदम तैयार है, एकदम अच्छे से कोट कर दिया है सारे अंडों को। ये देखिए ग्रेवी की कंसिस्टेंसी। तो बस ये मज़ेदार अंडा करी रेडी हो गई, इसको मैं इंजॉय करूंगी लच्छा पराठा और थोड़े से लच्छे प्याज के साथ। तो बस इसको मैं सर्व कर रही हूँ। और अगर आपको और इसको प्रेजेंटेबल और रिच बनाना है, तो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं थोड़ी सी फ्रेश क्रीम और थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो बस ये अंडा करी तैयार हो गई आपके घर पे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई, अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।